तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस आज की वीडियो में आप सभी लोग को बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट बाइक्स के बारे में 400 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग। और हाँ, इन सभी बाइक्स का प्राइस है 4 लाख रुपए के अंदर, एंड उनके अंदर में मिल जाता है बहुत ही बढ़िया लुक्स, बहुत ही बढ़िया पावर एंड अच्छी खासी माइलेज। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को लास्ट वीडियो के रिडीम कोड्स के विनर दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो के रिडीम कोड के पहले विनर है रोहित एपी एंड दूसरा है आशुतोष सिंघाल। सो गाइस अगर आप दोनों ये वीडियो देख रहे हो देन मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम या फिर मैसेज करना। और हाँ गाइस, ये वाली वीडियो में भी रिडीम कोड्स के गिव अवे चालू है। सो यार गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के रूल्स बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको बस हमारी वीडियो पे कमेंट्स करने हैं। बाकी यार हम रैंडम कमेंट पिकर ऐप के थ्रू किसी भी दो रैंडम कमेंट को पिक कर लेंगे। सो यार दैट्स इट, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। सो यार हमारे लिस्ट की सबसे पहली बाइक है BMW की तरफ से आने वाली G310R। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है 2,65,000 रुपीज एंड इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है कोलकाता में अराउंड 3,10,000 रुपए, यानी कि 3.1 लाख रुपीज। इस बाइक में 313 सीसी की वाटर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 33.5 BHP की एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 28 Nm की विद 6-speed ट्रांसमिशन एंड इस बाइक की टॉप स्पीड है अराउंड 163 किलोमीटर पर आवर की। बाइक में काफी प्यारा फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, साथ ही साथ बाइक के अंदर में ऑल LED लाइट्स का सेटअप मिल जाता है एंड BMW की G310R अराउंड 39 km/h का माइलेज भी दे देती है। बाइक के अंदर में तीन कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें कि पहला है कॉस्मिक ब्लैक, दूसरा है लाइम स्टोन मेटालिक एंड थर्ड है सियानाइट ब्लू मेटालिक। बाकी तो यार BMW का लोगो ही काफी है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। खैर गाइस आपको ये बाइक कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताना एंड इस बाइक का कौन सा कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये भी बताना। खैर गाइस बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की दूसरी बाइक की ओर, जो कि KTM की तरफ से आने वाले ड्यूक 390। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है 2,67,000 रुपीज एंड कोलकाता में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 3,16,000 रुपए। खैर गाइस ड्यूक 390 के अंदर में मिल जाता है 373.2 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 43.5 PS की एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 37 Nm की। गाइस इस बाइक के अंदर में पावर काफी ज्यादा जबरदस्त मिलता है। खैर गाइस ये बाइक हमें अराउंड 25 km/h का माइलेज दे देती है, मतलब यार इस बाइक के अंदर में माइलेज इतनी अच्छी नहीं मिलती लेकिन बाइक कम भी नहीं है, मतलब यार ठीक ठाक माइलेज दे देती है। बाकी यार इस बाइक के अंदर में फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है विद ऑल LED लाइट्स का सेटअप एंड ड्यूक 390 की टॉप स्पीड है अराउंड 169 km/h की। इस बाइक के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहला है मेटालिक सिल्वर, दूसरा है व्हाइट, तीसरा है सेरेमिक व्हाइट, चौथा है सिल्वर मेटालिक एंड लास्ट है ऑरेंज। उम्मीद है आपको KTM की ड्यूक 390 काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लग रही है देन यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और भी कई सारी वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ अगर आपके पास वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम द स्ट्रेंज बाइकर के नाम से, जाओ फॉलो कर लो। खैर गाइस हमारे लिस्ट की तीसरी बाइक है TVS की तरफ से आने वाली Apache RR 310। Apache RR 310 के अंदर आपको 312 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 34 PS की एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 27.3 Nm की। Apache RR 310 की टॉप स्पीड में मिल जाती है अराउंड 168 km/h की, साथ ही साथ ये बाइक आपको अराउंड 35 km/h का माइलेज भी दे देती है। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल EBS मिल जाता है, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, साथ ही साथ सारी लाइट्स LED में मिल जाती है और भाई इतनी अच्छी लुक मिल जाती है और क्या चाहिए ये बताओ। इस बाइक के अंदर आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, टाइटेनियम ब्लैक एंड रेसिंग रेड। वेल 4 लाख रुपए के अंदर ये बाइक आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। गाइस हमारे लिस्ट की चौथी बाइक है KTM की RC 390। इस बाइक की इंडिया में एक शोरूम प्राइस है 2,57,000 रुपीज एंड ऑन रोड प्राइस है कोलकाता में अराउंड 3,05,000 रुपए। इस बाइक के अंदर आपको 373.3 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 43.5 PS की एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 36 Nm की एंड ये बाइक अराउंड 180 km/h तक भी जाती है, मतलब यार सच्ची 180 km/h कोई आम बात नहीं है यार। खैर गाइस इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल EBS मिल जाते हैं, साथ ही साथ काफी अच्छी फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाती है। बाइक के अंदर आपको सारी लाइट्स LED में मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कॉर्नरिंग ABS जैसे फंक्शन मिल जाते हैं और साथ ही साथ ये बाइक आपको अराउंड 25 km/h का माइलेज भी दे देती है। इस बाइक के अंदर आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, पहला ऑरेंज एंड दूसरा ब्लू। खैर बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी बाइक की ओर, जो कि है बजाज की तरफ से आने वाली डोमिनार 400। गाइस डोमिनार के अंदर आपको मिल जाता है 373.3 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड इंजन। गाइस मैं आपको पहले बता दूं डोमिनार एंड ड्यूक के अंदर आपको सेम इंजन मिलता है, बट यार डोमिनार मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40 PS की एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 35 Nm की। गाइस डोमिनार की टॉप स्पीड है अराउंड 170 km/h की एंड इसमें भी आपको डुअल चैनल EBS मिल जाता है, साथ ही साथ फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाती है एंड ये बाइक आपको अराउंड 26 km/h का माइलेज भी दे देती है। इस बाइक के अंदर आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, पहला चारकोल ब्लैक एंड दूसरा ग्रीन। गाइस इस बाइक का प्राइस काफी कम है अगर बाकी बाइकों से कंपेयर करें तो यार आपको इनमें से सबसे अच्छी बाइक कौन सी लगी कमेंट करके जरूर से बताना।
फिर यही बता दो कि आपके पास कौन सी बाइक है। और हाँ गाइस एक बार और बता देता हूँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना। रूल्स बहुत ही ज्यादा इजी, आपको बस हमारी वीडियो पे कमेंट करना है एंड हम रैंडमली किसी भी दो पर्सन को पिक कर लेंगे। देन गाइस मैं अगली वीडियो में विनर को अनाउंस कर दूंगा। सो यार अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ जाने के पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। बाय बाय।